हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों हाजिर हो गया हूं मैं आज का न्यूज़ लेके। सुबह से लेके अभी तक का जो न्यूज़ है टॉप की न्यूज़ मैं आप सबको सुनाऊंगा। और अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो बता दो, इस चैनल पे मैं हर रोज़ सुबह से लेके शाम तक जो भी न्यूज़ होती है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो टॉप 10 न्यूज़ चूज करके मैं आप सबके सामने रखता हूँ ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि आप सुबह से लेके शाम तक टीवी के साथ लगे नहीं रह सकते। वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, मोटिवेट होता हूँ मैं अगर वॉच टाइम आता है तो। आप स्लाइड कर करके मत देखिएगा प्लीज़। कार ग्रुप रिलायंस रिटेल में कर सकती है $2 अरब का निवेश। तो रिलायंस रिटेल के लिए काफ़ी अच्छी खबर है अगर फंडिंग इनके पास आया तो। फ्यूचर ग्रुप के लिए भी अच्छी खबर है FEL के लिए। और वैसे ही बात करूँ तो एंड में मैं फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड एक शेयर के बारे में काफ़ी अच्छी डिस्कस करूँगा, तो एंड में आप बने रहिएगा। VI ने लॉन्च किया ₹391 का नया वर्क फ्रॉम होम प्लान, मिलेगा 100 GB तक का हाई स्पीड डाटा। दोस्तों VI आपको बता दूँ वोडाफोन आइडिया, इन्होंने रीब्रांडिंग के बाद अपना नाम रख लिया है VI। CPI का डाटा आया, उसमें जो CPI का रिपोर्ट आया उसमें 6.69% CPI का जो इन्फ्लेशन रेट आया, जो महंगाई है वो थोड़ी सी कम हुई है जुलाई मंथ के आंकड़ों के मुताबिक। अगर जुलाई मंथ के आंकड़े देखें तो 6.73% था, अभी 6.69% है। तो महंगाई में थोड़ी सी राहत मिली है। सब्जियों का दाम तो आसमान छू रहा है, टमाटर ₹80 किलो हो गया। आपके पास आपके यहाँ क्या रेट है बताइएगा। तो चौथा खबर है यस बैंक के ग्राहकों को मिल सकेंगी बीमा प्रोडक्ट्स। ICICI लोमबार्ड के साथ यस बैंक कर रहा है साझेदारी। पांचवा खबर है ऑटो इंडस्ट्री में रिवाइवल के संकेत आ रहे हैं। मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन अगस्त में 11% बढ़ा। मिनी कार SUV सेगमेंट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा तेज हुई है। सिक्स खबर काफ़ी अहम है, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बदलाव को लेकर सेबी की रुख में आई है बहुत बड़ी नरमी। कल शाम को जो सर्कुलर आया था उसमें सेबी ने कहा कि फंड मैनेजर्स को फंड विलय और नाम बदलने की आज़ादी मिलेगी। जैसे कि होता क्या था कि पहले जो डिटेल्स आ रहे थे कि 25% मल्टी कैप में तीनों में रखना है, तो क्या करेंगे फंड मैनेजर, मल्टी कैप के फंड का नाम ही चेंज करके लार्ज कैप रख देंगे। तो सेवन्थ न्यूज़ जो आ रही है, टिकटॉक अमेरिकी में आरकल के साथ पार्टनरशिप करेगी, बिजनेस अपनी बेचेगी नहीं। पहले न्यूज़ में आपको बताया था मैंने कि टिकटॉक को अमेरिका से भगाने के लिए कह दिया था ट्रंप ने, बट वो पार्टनरशिप कर रही है अमेरिकन कंपनी के साथ। TCS 9 लाख करोड़ वाली मार्केट कैप से 9 लाख करोड़ से ज़्यादा वाली मार्केट कैप की दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। नोवा न्यूज़ आप बता दूँ तो दिल्ली में आज से जिम और योगा सेंटर खुले हैं। अगर आप जिम लवर हो और दिल्ली में रहते हो तो आपके लिए अच्छी खबर है, दिल्ली में आज से खुल रहे हैं। और ट्रायल पर साप्ताहिक बाजार भी खुलेंगे, जो वीकली बाजार लगता है वहाँ खुलेंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है 9 न्यूज़। और 10वां न्यूज़ काफ़ी अहम न्यूज़ है, मैंने बताया आपको फ्यूचर रिटेल ग्रुप के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले निफ्टी का हाल जान लेते हैं। आज की बाजार अगर देखें तो पहले प्लस था, फिर माइनस आया थोड़ी सी गिरावट के साथ। सेंसेक्स 150 पॉइंट के अराउंड गिरावट में बंद हुई है। निफ्टी की अगर बात करें 11,422.42 की गिरावट दर्ज की गई। बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ तो 22,115.364 की गिरावट दर्ज की गई। अगर फ्यूचर ग्रुप्स के शेयरों की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो काफ़ी डाउन ट्रेंड रहा। फ्यूचर रिटेल में सर्किट लग गया था और भी कई शेयरों में सर्किट लग गए थे इनके। तो फ्यूचर रिटेल का आज था रिजल्ट, थोड़ा सा हम इसमें यहाँ पे रिजल्ट डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी 5 मिनट हुआ नहीं है, 1 मिनट बचा हुआ है। तो चलते हैं हम रिजल्ट की तरफ। आप देख पा रहे हो ये 14 सितंबर आज रिजल्ट आया है, तो टाइम को ख़राब ना करते हुए ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा मैं, सिर्फ मेन पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद मैं एक फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, वहां आप देख पाओगे। आप देख पा रहे हो इनके टोटल इनकम में गिरावट आई है, रेवेन्यू में गिरावट आई है। पिछले 31/3/2020 से मार्च के मुकाबले गिरावट आई है, ये 30 जून तक का रिपोर्ट है। पहले जो इसका रेवेन्यू था ऑपरेशन से ये 31 मार्च तक था 4445 करोड़, और अभी 1355 करोड़ रह गया है। तो टोटल इनकम में भी काफ़ी बड़ी गिरावट आई है क्योंकि इनके शॉपिंग मॉल्स वगैरह, शॉप्स वगैरह, स्टोर्स वगैरह बंद रहे हैं। इनके अगर प्रॉफिट लॉस की मैं सीधी बात करूंगा, अभी मैं ज़्यादा इसमें नहीं डिस्कस में बातें करूंगा आपसे, तो बिफोर टैक्स इनका जो लॉस आपको दिख रहा है
552 करोड़ रुपए का दिख रहा है। पहले जो लॉस इनका था 470 करोड़ का था, अभी 552 करोड़ का लॉस दिख रहा है। तो 570 और 552 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी लॉस में है। मैंने पहले ही कहा रहेगी, और भी इस पर बहुत सारी बातें करने की इस वीडियो में नहीं, इंतजार करिए अगली वीडियो में, जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।